इस वीडियो में हम देखेंगे इलिप्स के को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में. तो हमें तो इसका एक को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है कि नॉर्मल का जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर इलिप्स, फीट ऑफ नॉर्मल ऑन इलिप्स, तो अगर जो भी नॉर्मल है वो इलिप्स पे जिस पॉइंट पे टच जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं फीट को नॉर्मल पॉइंट्स. ठीक है, अब कोई भी एक पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट From any point in the plane, तो कितने जैसे पैराबोला में हमारे पास मैक्सिमम नॉर्मल्स 3 हो सकते थे कोई भी एक पॉइंट से, तो इसमें एलिप्स के केस में मैक्सिमम 4 होते हैं. ठीक है, 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द एलिप्स, कैन बी ड्रॉन टू द एलिप्स. जिस तरह है पैराबोला में हमने देखा था सिर्फ 4 नॉर्मल्स होते हैं, उसी तरह हम देखेंगे इसमें कि एलिप्स में मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी एक पॉइंट से. एंड अगर इन 4 नॉर्मल्स के एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये है एक्सेंट्रिक एंगल्स जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल है. ठीक है, तो इनकी कंडीशन ये होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये हमारे पास होता है 2n+1 × π के इक्वल, वेयर इन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो ये कंडीशन होती है हमारे को नॉर्मल पॉइंट्स की एक्सेंट्रिक एंगल की. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. तो प्रूफ के लिए हम कंसिडर करेंगे कि जो हम एलिप्स यूज करेंगे दैट इज x² / a² + y² / b² = 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी. कोई भी एक जनरल पॉइंट पी है दैट इज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है हमारी नॉर्मल की इक्वेशन दैट इज ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. अब हम मान लेते जो नॉर्मल है इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एच कॉमा के. तो एच कॉमा के पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. That means ए एच अपॉन कॉस थीटा माइनस बी के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब हम कॉस थीटा और साइन थीटा को टैन के टर्म्स में लिखते हैं. तो हमारे पास होगा ए एच अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 plus tan square theta by 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. ठीक है, अब हम यहाँ पे tan ऑफ थीटा बाई टू को टी सब्सटीट्यूट करते हैं ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें. तो हो जाएगा ए एच इंटू 1 plus t² upon 1 minus t² - bk into 1 plus t² upon 2t इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. अगर एलसीएम लेते तो 2t ए एच इंटू 1 plus t² माइनस बी के इंटू 1 minus t² into 1 plus t² होल अपॉन में 2t into 1 minus t² इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2aht + 2aht³ माइनस बी के इंटू 1 minus t² 1 a minus b into a plus b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू 2t - 2t³. ये आ गया हमारे पास दैट इज बी के टी टू द पावर 4 प्लस 2aht³. यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी क्यू. ठीक है, देन प्लस 2aht माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी माइनस बी के इज इक्वल टू 0. तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं दैट बी के टी टू द पावर 4 प्लस 2ah माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी यहाँ पे प्लस 2 आएगा. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी क्यूब प्लस 2ah माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू टी माइनस बी के इज इक्वल टू 0. तो अगर हम देखें टी हमारा टैन थीटा बाई 2 था, पावर 4 है, इसका मतलब मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम
फोर रियल रूट्स, तो ये थीटा बाई टू का है टर्म, तो हम मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो हैं टैन ऑफ अल्फ़ा बाई टू, टैन ऑफ बीटा बाई टू, टैन ऑफ गामा बाई टू एंड टैन ऑफ डेल्टा बाई टू। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये सब फीट ऑफ नॉर्मल्स के हमारे एक्सेंट्रिसिटी एक्सेंट्रिक एंगल से हमने ऊपर डिफाइन किया है इसको। अब हम लेते हैं जो हमारा एस वन है, दैट इज़ सम ऑफ रूट्स, दैट इज़ समेशन ऑफ द रूट्स। फिर हम लेते हैं एस टू, ये है हमारे पास समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ठीक है, अब हम देखें इधर, तो यहाँ टी स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये ज़ीरो के इक्वल होगा। देन अगर हम एस थ्री देखें तो ये जाएगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स, टैन अल्फ़ा बाई टू, टैन बीटा बाई टू, टैन गामा बाई टू। एंड एस फोर ये होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर रूट्स, दैट इज़ टैन ऑफ अल्फ़ा बाई टू इंटू टैन ऑफ बीटा बाई टू इंटू टैन ऑफ गामा बाई टू इंटू टैन ऑफ डेल्टा बाई टू। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ बी के अपॉन बी के इक्वल, माइनस बी के अपॉन बी के दैट इज़ इक्वल टू माइनस वन। ये आ गया, दैट मीन्स अगर हम देखें यहाँ पर वन माइनस एस टू प्लस एस फोर, तो ये हो जाएगा वन माइनस ज़ीरो माइनस वन दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स वन माइनस एस टू प्लस एस फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया, और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें टैन ऑफ अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू प्लस डेल्टा बाई टू, तो ये सिंप्लीफाई होके हमें मिलेगा एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू प्लस एस फोर, और ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है, दैट इज़ एस वन माइनस एस थ्री अपॉन ज़ीरो, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड ये पाई बाई टू पे होता है, दैट मीन्स टैन ऑफ अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, ये जो हमारी टर्म है ये जो जिसका अगर हम जनरल सोल्यूशन देखें तो ये जनरल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू प्लस डेल्टा बाई टू, ये हो जाएगा टू एन प्लस वन पाई बाई टू के इक्वल, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये हो जाएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हमने ये जो रिलेशन था एक्सेंट्रिक एंगल्स का हमने वो भी प्रूफ कर दिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कोई भी एक पॉइंट से प्लेन में हम मैक्सिमम फोर नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो कोई एलिप्स के, एंड उसके एक्सेंट्रिक एंगल्स का रिलेशन देख लिया और उसको हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।